Hey, what is up YouTube? Welcome back to KSF Academy, आपके अपने आम रेसलिंग हिंदी न्यूज चैनल पे। और रिसेंट वीडियो में मैंने ब्रायन शॉ वर्सेस ऑडन लैरेट के बारे में आपको अपडेट दिया था। इस वीडियो में मैं लेवांस एग्निशिवली के रिलेटेड न्यूज आप तक लेकर आ चुका हूँ। सो अभी रिसेंटली एंगिन टर्जी का एक इंटरव्यू सेशन हुआ था, जहां पे लेवांस एग्निशिवली के बारे में पूछा गया कि बताया कि अपने मैच के बारे में या अपने अपकमिंग मैच के बारे में। सो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ऑब्वियसली जेरी कैटरेट के बारे में बात हो रही है, बट नहीं, यहाँ पे उन्होंने विटाली के बारे में बात की। एंगिन टर्जी ने उनसे पूछा कि विटाली से जब एंगिन की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं ड्रीम कर रहा हूँ, मैं लाइफ अपनी जी रहा हूँ बस एक रीमैच के लिए लेवान के साथ में। तो उस पर रिप्लाई करते हुए लेवान ने कहा, बहुत ही प्यार से कहा, कोई एरोगेंट वे में नहीं था, ही सेड कि डेफिनेटली मैं उनके साथ में मैच करूंगा। बट अगर वो ऐसा कह रहा है कि मुझे उनके साथ में, मतलब उनके मैच के लिए ही, मैं उनको बीट करने के लिए ही जी रहा हूँ, देन वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो जाने वाले हैं, बिकॉज मैं उनसे कभी भी हारने वाला नहीं हूँ। एंड मैं उनको वापस से बीट कर दूंगा और उनको बता दूंगा कि और कुछ साल वेट कर लो भाई। एंड रिसेंटली अगर मैं आपको पूरा मैच के बारे में बताऊं, तो डेवॉन लैरेट वर्सेस जब लेवांस एग्निशिवली हुआ था, तो डेवॉन लैरेट थोड़ा बहुत होल्ड ही कर पाए थे लेवान को। बट जब विटाली वर्सेस लेवान हुआ था, तो विटाली ने फर्स्ट राउंड में बहुत अच्छा खासा होल्ड किया था। हालांकि पूरा मैच 6-0 से ही खत्म हुआ था, बट विटाली ने बहुत अच्छा खासा स्ट्रेंथ दिखाया था उस टाइम पे। उसके बाद में विटाली ने अपने स्ट्रेंथ को बस गेन ही किया है, बढ़ाते ही गए हैं। एंड रिसेंटली विटाली अपने पीक फॉर्म पे चल रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं कि गाइस, जब भी यार मैं बोलता हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 15,000 बहुत क्लोज है, हम लोग कौन है भाई जो अनसब्सक्राइब कर देता है, कैसे कम हो रहा है? इतने भीड़ में इतने चाहने वाले आए हैं, कौन मेरा दुश्मन आया है? विटाली ने एक और बात कहा था कि मैं मेजरली लो हैंड ग्रिप करके टॉप रोल करने की कोशिश करता हूं, सो अगर मैं ग्रिप को ऊपर कर लो, देन देयर मे बी अ डिफरेंट चांस। एंड उनका रिसेंट मैच हुआ था जॉर्जी के अगेंस्ट, वहां उन्होंने वो वाली ग्रिप यूज की थी एंड उन्होंने बहुत ही इजीली फ्लैश पिन किया था। लेवांस एग्निशिवली के अगेंस्ट में भी अगर वो वाला ग्रिप यूज करेंगे, जहां पे वो प्रॉपरली टॉप रोल के लिए अपर अच्छे से पकड़ेंगे, देन देयर इज अ चांस कि वो फर्स्ट राउंड या फिर एक राउंड तो लेके चले जाए। एंड लेट्स सी, लेवांस एग्निशिवली भी कोई भी इजी वेव नहीं दे रहा है, बिकॉज ही इज लाइक कि मैं अपने आप को बेटर बनाते जा रहा हूँ। एंड उन्होंने अपना स्ट्रेंथ, जो उनका PR था, वो PR पे ऑलरेडी वापस आ चुका है। सो डेफिनेटली मजा आएगा अगर लेवान वर्सेस विटाली होता है। तो आप लोग क्या लगता है गाइज, विटाली वर्सेस लेवान क्या होना चाहिए? सो गाइज, आज का वीडियो इसी बात पर हम लोग खत्म करते हैं। मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वी आर वेरी क्लोज टू 15,000, सो मेक श्योर आप हमको 15,000 तक जल्दी पहुंचा दीजिए। फिर मिलेंगे कोई नया इन्फॉर्मेशन कोई नया कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए बाय।